वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आज जा रही हूँ घर वापस, यानी कि हल्द्वानी। और हमें जाना था सुबह 10:30 बजे, लेकिन मैं 10:45 बजे उठी हूँ। सुबह 6:30 बजे उठ गई थी तो मेरी नींद जो है ना टूट गई। फिर थोड़ी देर मैं उठी रही आधा पौन घंटा, उसके बाद मैं सो गई। तो फिर लोगों ने मुझे उठाया नहीं और मेरी खुद ही सडन ऑफ नींद खुली है, तो अभी हमें बहुत लेट हो रहा है। सो या आई विल सी यू लेटर। और आज हम लाडो को लेके जा रही हैं फायम भाई, वरना वो रोती रहती। ये मैडम जा रही है बुकिंग पे, एक पेशेंट ले जानी है एम्बुलेंस। तो इसकी गाड़ी बुकिंग पे जा रही है 3 सवारियां लेके। हम मेरी गाड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड गढ़वाल गए थे अपने पापा से मिलने, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, मैंने बताया था मेरे पहले ब्लॉग में। तो वो उनको मिलके सीधे हरिद्वार से होते हुए हल्द्वानी चले गए, तो इसलिए हमारी गाड़ी, मुझे ड्राइविंग आती नहीं, भैया को नहीं आती, इसलिए हम पड़ोस में ही कोई है नोन, तो उनसे कह के हम गाड़ी अपनी ले जा रहे हैं। सो यहाँ अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। बता हो गई बात। मामा हो गई बात। फ्रूटेज में थोड़ी देर रोक देना, हाँ जूस लेना है नीचे फ्रूटेज से। ये मेरे पापा की कार है ना? नहीं तो मेरी है, ये मम्मा की कार है। किसकी है? मम्मा की। अभी तक तो पापा की कह रहे थे आप। आप जब भी पहाड़ आती हो ना, तो पहाड़ में ये चीज़ें मिलती है, स्क्वैश वगैरह, यहाँ के बहुत ही प्योर नेचुरल रहते हैं, तो यहाँ आओ तो ये ज़रूर ले जाना स्क्वैश। देखो अभी भैया यही लेने गए, भैया एक्चुअली हमें छोड़ने आ रहा है साथ में, मॉम का कॉल आ रहा है अभी, बनाती हूँ व्लॉग। ये पुरानी है ना, गुच्छी आंख में धूल, कह रही हूँ आप अंदर चलो। रोड पे गंदा हो जाता है ना, साफ कर देना बाहर रोड जाके। मैं क्यों करूँ जाके, मम्मा कहाँ कहाँ साफ करेंगे, घर में भी करती हूँ मैं, घर के बाहर भी रोड पे करती, यहाँ भी करूँ। आप बोलो सबसे, तो भीमताल वालों, भीमताल वालों, अपनी रोड साफ रखा करो, साफ रखा करो, कूड़ा कूड़ा मत किया करो, मत किया करो, गंदी बात होती, गंदी बात होती, घर से बाहर मत जाया करो, अंदर ही रह करो। और बाकी गाड़ी वालों, गाड़ी सब लोग घूमने जाते हैं, तो गाड़ी वालों सबसे टकरा के पास जाते हैं दूर, और कभी हमें नहीं आने देते, हमसे हमको पूछने नहीं देते। हम जा रहे हैं हल्द्वानी, शादी क्या
ये है शॉर्टकट, रानीबाग तो क्रॉस कर लिया ना हमने अभी, ना एच एम डी नहीं आया अभी। बाल बहुत गर्म है और बहुत पसीना हो रहा है बाल में, और वहाँ भी गर्मी हो रही है ना, मेरे पॉकेट में क्या है। क्या देख रहे हो? चलो अरे वैसे चलो ना, क्या कर रहे हो? तो हाय बोलो, आप उछलना नहीं, बूझो स्टे स्टे, नो ऐसे नहीं, अच्छे से
बस बस बेटा, पूजो से ऐसे हेलो तो कर दो। बस बस, पैर क्यों रख रहा है? चल बैठो, हो गया बस बस, चलो आओ, चलो चलो। पापा से प्रणाम तो करो। हम पहुंच गए हैं हल्द्वानी अपने घर में। देखो बिट्टू भी आ गया हल्द्वानी जवान। चलो हाँ, और हम दिखाते हैं आपको बूजो। बूजो की क्या हाल है? ये बूजो, हाय बूजो, हाय बूजो, हाय बूजो। बहुत ही गर्मी लग रही है हल्द्वानी में, भवाली रह करके इतने दिन से। वहाँ तो बड़ा मजा आ रहा था ठंडा ठंडा, लेकिन वहाँ मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने स्वेटर पहन ली थी, और यहाँ लग रही गर्मी बहुत भयानक। मन कर रहा है बस स्विमिंग पूल में घुस जाए। दिस इज माई सेकेंड ग्लास ऑफ जूस, और बिट्टू का भी एक गिलास खत्म करके बिट्टू भी सेकेंड ग्लास जूस ले रहा है। जब हम आए थे तब बूजो खुश हो गया था, उसे थोड़ा प्यार किया, फिर चुपचाप बैठ गया था। अब देखो, फिर अभी मैं गई थी उसे देखने, अभी फिर उसने हल्ला शुरू कर दिया। अब वो जब तक उसे छक्के नहीं मिलेंगे हम, तभी तक हल्ला करता रहेगा, चुप नहीं बैठेगा बिल्कुल, है ना बित्तु? इत्तु सा हो गया बूजो। पहले तो आप कहते थे बूजो बड़ा है, लाडू कहाँ आई है? किसके पास? नानी को फोन भी तो करते हैं, पहुंच गए करके। थक गया मेरा बच्चा, पसीना हो रहा है गर्मी में भी नहीं नहीं करेंगे। ठीक है, आर यू हैप्पी नाउ? मम्मा के चांद आपको अच्छा लग रहा है? थनगाट गुस्सा तो भावाली में हो रहे थे, रास्ते में धूप हो रही थी ना बहुत। वैसे तो घर से मैं दो रोटी और मशरूम खा के आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही भूख लग रही है, और बिस्ती जी ने बनाई है चिकन बिरयानी, और हम लोग खाएंगे गप्पा गप। बेटू कैसे खाएंगे हम? इससे साथ खाओ तब जाएगा। सब देखो लाडू को कितना परेशान कर रही है मुझे, इसने अभी तक खाना नहीं खाया, सब ने फिनिश कर दिया और लाडू ने अभी तक खाया नहीं। इसे हम भवाली वापस भेज रहे हैं। लाडू छोड़ रहे हैं। नानी ने क्या बोला ये बताओ, मम्मा को परेशान किया तो क्या करेंगे? भवाली ले जाएंगे बोला है ना, जाना आपको भवाली? हम जा रहे हैं मेरे प्लांट्स चेक करने बेचारों के, एक हफ्ते में जाने क्या हाल हुआ है। वैसे टमाटर सूख गया भवाली में तो लग भी, ओ यहाँ सब पानी भर रखा है, क्या कंस्ट्रक्शन हुई है पता नहीं, यहाँ से आया होगा, यहाँ से पानी यहीं से आ रखा लग रहा, पानी सारा छत से भी तो आ रखा, गए थे पानी सीधे नीचे टेबल पे।
ये पौधे तो सूखे, ओहो पपीते जो बड़े हो गए, ये गीले ही हैं, यहाँ धूप नहीं पड़ी है ना, पर कबूतरों ने कितना गंदा कर दिया, फिर घोंसला बना दिया, हटा हटा के भी, ओ माय गॉड ये मिर्ची विर्ची सब सूख गई है, स्पाइडर प्लांट अच्छा हो गया। हाँ अभी तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है लग रहा है, ये सब गीले हो रखे हैं पौधे, ये तो मेरा तभी ख़राब हो गया था, ये था पम्पकिन और एक पम्पकिन मेरा छत में है उसके जाने जो हाल हो रखे होंगे। ये चल रहा है हमारे घर के आगे कंस्ट्रक्शन और सारी रोड ऑक्यूपाई कर रखी है, ये देखो हमारी गाड़ी खड़ी है वो वहाँ पे, पाइपलाइन के लिए खोल दिया है रोड और ये चल रहा है काम, इधर बन रहा है शायद दो मंजिला, मेरे प्लांट्स बेचारे, ओहो वाला तो बिल्कुल ही खराब हो गया है। चलो सबको बताओ हम बहुत थक गए, हम बहुत थके और मेरा पसीना आ रहा है और अब हम रेस्ट करेंगे और हम रेस्ट करेंगे और वीडियो एंड करेंगे हम, बाय बाय, और वीडियो लाइक करना तो बोलो, वीडियो लाइक करना और शेयर करना, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय। हम्म।